ये क्वेश्चन भी तुम्हारे ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी तुम्हें सीखने को मिलेगा। रूट वाले क्वेश्चंस पे तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है बनाने का वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा अगर ये क्वेश्चंस को अच्छे से तुम समझ जाते हो तो। बहुत आसान है अगर कॉन्सेप्ट को समझा जाए। देखो ये है कि रूट एक्स माइनस रूट अंडर एक्स माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स, यानी रूट के ऊपर भी एक रूट है और इज इक्वल टू वन दिया हुआ है और हमसे एक्स का वैल्यू पूछ रखा है। एक्स क्या होगा ये हमें बताना है। जनरली देखो रूट वाले क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं ताकि रूट हट जाए, क्योंकि एक्स पूछा है ना, रूट तो पूछा नहीं है। रूट को हटाने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। बट अगर यहाँ तुम स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे बालक तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अगर यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो, इसको स्क्वायर करते हो, इसको स्क्वायर करते हो, तो ये तो वन का स्क्वायर वन रह जाएगा। यहाँ देखो इसको फिर तुमको ए कंसिडर करना पड़ेगा, माइनस इसको बी कंसिडर करना पड़ेगा, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए का स्क्वायर तो ठीक है, ये एक्स बन जाएगा। बी का स्क्वायर करोगे प्लस बी का स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा, एक बचेगा। चलो इसे भी कोई समस्या नहीं, बस फिर इसे स्क्वायर कर लेंगे। बट समस्या होगा माइनस टू इंटू ए इंटू बी, माइनस टू ए भी करोगे तो ये आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, तब तो भाई समस्या हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन, हो जाएगा ना और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए क्या किया जाए, ध्यान रखो इस कॉन्सेप्ट को, इस अप्रोच को, बहुत इजीएस्ट अप्रोच बता रहे हैं। जब भी दो दो टर्म आ जाए रूट का तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक साइड में यानी एलएचएस और आरएचएस एक साइड में एक ही रूट वाले को रखा जाए और देन हम लोग उसको स्क्वायर कर दे तो इजी बन जाएगा। जैसे ये वन इधर प्लस में है, अगर इसको हम इधर ला दें तो माइनस में आ जाएगा, और इसको हम लोग इधर ले जाएं तो ये माइनस इधर प्लस में हो जाएगा। तो कर लेते हैं बालक, देखो रूट एक्स इसको इधर लाएं तो माइनस वन, और इस सारे को उधर लेकर के चले जाएं तो ये माइनस में पूरा था, इधर गया तो प्लस में, ये बन जाएगा तुम्हारा एक्स माइनस, देखो ये माइनस में था उधर गया तो प्लस में, रूट एक्स माइनस वन माइनस एक्स। बात क्लियर है? अब इसे स्क्वायर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया जाए तो इधर भी स्क्वायर कर लेंगे, जब भी करेंगे तो हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, है ना। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस b का स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और माइनस टू ए बी यानी कि 2 इंटू रूट एक्स और इंटू 1, और 1 से मल्टीप्लाई करें ना करें, देखो इंटू 1, 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, और इस 1 को लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं है तो छोड़ देते हैं बालक। देखो यहाँ पर ये अगर इसको स्क्वायर किया जाए, मतलब इसको दो बार मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये वाला जो रूट है बालक यही ना रिमूव होगा, अंदर वाला तो रूट अभी रह ही जाएगा, तो एक रूट को हम लोग रिमूव कर लेते हैं, तो ये बन गया एक्स माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स। बात क्लियर है? अब यहाँ देखोगे ये एक्स प्लस में और ये भी प्लस में, ये दोनों हो गया कैंसिल, प्लस वाले एक्स तो कैंसिल हो ही जाएंगे। देखो एक्स प्लस में और ये भी प्लस में, इस साइड लाते तो माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या किया जाए, अगेन हमें रूट दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ भी रूट दिख रहा है, एक बार और इसे स्क्वायर कर लेते हैं। क्या बच गया, वन माइनस टू रूट एक्स बच गया, है ना, और इधर बच गया माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स। अगेन हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर लिया जाए बालक, देखो अगेन अगर स्क्वायर कर लिया जाए तो देखो ये ए हो गया और ये बी हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर वन, प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर ध्यान से देखोगे, बी का स्क्वायर यानी कि टू और रूट एक्स का स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर और इंटू रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, यानी कि फोर एक्स बन गया। क्लियर है बात? ये तो फोर एक्स बन गया, और माइनस टू ए बी यानी कि माइनस टू इंटू वन इंटू टू रूट एक्स, देखो टू इंटू वन इंटू टू रूट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखोगे ध्यान से कि यहाँ माइनस का स्क्वायर यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, तो इस माइनस को रिमूव कर देंगे, प्लस लिखे ना लिखे क्या फ़र्क पड़ता है ना, माइनस यहाँ वन था, माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, तो यहाँ वन लिखे ना लिखे क्या फ़र्क पड़ता है। इस रूट को स्क्वायर किया जाएगा तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा वन माइनस एक्स। क्लियर है बात? ये वन और ये वन अगेन कैंसिल, क्योंकि ये भी प्लस कैंसिल कर देंगे। देखो इस एक्स को इधर लाते हैं तो ये फोर एक्स प्लस एक्स हो गया, और इस पूरे को अगर उधर लेकर के जाएं, देखो ध्यान से, यह माइनस है, टू इंटू टू फोर, फोर रूट एक्स है, फोर रूट एक्स, ये पूरा फोर रूट एक्स है, माइनस में उधर लेकर के जाया जाए तो ये बन जाएगा प्लस में फोर रूट एक्स। अब देखो ये बन गया बालक फाइव एक्स, दोनों को ऐड किए तो बन गया फाइव एक्स, और इधर बन गया फोर रूट एक्स। अगेन बालक यहाँ रूट आ रहा है, एक बार और स्क्वायर कर लिया जाए, एक बार और दोनों साइड स्क्वायर किया जाए बालक, तो हमारा ये रूट हट जाएगा, ये बन गया 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर का स्क्वायर 16, और 16 और रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर है? देखो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स अगर इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड भेजेंगे डिवाइड में, तो एक एक्स से एक एक्स तो कट ही जाएगा ना, देखो
ये एक से इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इसको हटा करके अगर यहाँ लाएँ तो एक एक से एक एक्स कट गया, यहाँ एक्स बच गया है ना, क्या बच गया ये 25x इज इक्वल टू 16। देखो 25x इज इक्वल टू 16, तो x का वैल्यू आ गया 16/25। तो इस तरीके से हम लोग ये अप्रोच लगा के इजिली इस टाइप के क्वेश्चन से हम लोग डील कर सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। इस टाइप का और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से, या ऐसा क्वेश्चन जिसे सॉल्व करने से, जिसका कॉन्सेप्ट समझने से तुम्हारा मैथ्स बूस्ट होगा, वो इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है मैथ्स बूस्टर, उस पर अपलोड हो रहा है और बहुत सारा क्वेश्चन अपलोड हो चुका है। तो उस चैनल को, उस प्लेलिस्ट को जाकर के तुम विजिट कर सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।